हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 22 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। वनडे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें और सारे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन जो है, सॉयल हेल्थ कार्ड डे मतलब स्वस्थ मृदा कार्ड दिवस या मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ये कब मनाया जाता है? सॉरी, ये मनाया गया 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी 2015 को चूंकि ये गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसलिए ये दिवस मनाते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लॉन्च किए गए हैं ईयर के साथ, कौन से साल में लॉन्च किए गए, जैसे जनधन योजना कब लॉन्च किया गया, 2014 में। उसी तरीके से ये सब योजनाएँ आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें भूमि में कितने मात्रा में कौन कौन से जो है न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं या कौन कौन से प्रॉपर्टीज केमिकल मौजूद हैं, इनके बारे में एक लिस्ट बनाई जाती है इस कार्ड में, ठीक है। जैसे मान लो कैल्शियम 20% है, होना चाहिए 40%, तो 20% डिफिशियंट हो गया। आयरन होना चाहिए 15%, तो है 65%, तो आयरन ज़्यादा हो गया। इस तरीके के एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग खाद दिया जाता है, उनका फर्टिलाइज़र जो है वो देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालने की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई, और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालना मतलब एक तरीके से जहर डालने के बराबर होता है। तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सॉयल हेल्थ कार्ड का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। देयर हैज़ बीन अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ दिस कार्ड एंड इफ़ वी यूटिलाइज इट एट अ प्रॉपर मैनर इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर सॉयल। नेक्स्ट देखते हैं फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज़ को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, 6 फरवरी को इम्यूनाइजेशन डे मनाते हैं, ठीक है। और सॉरी, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे टू टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। नेक्स्ट है सेफर इंटरनेट डे 5 जनवरी, 10 फरवरी को नेशनल डी वर्मिंग डे कृमि मुक्त दिवस, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, 12 फरवरी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे उत्पादकता का दिवस, यह है 12 फरवरी, 13 फरवरी को है वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वीमेंस डे राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मनाते हैं 13 फरवरी को। 14 फरवरी नेशनल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, नेशनल तो नहीं है, एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं। 20 फरवरी को है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, पिछले दिन हमने डिस्कस किया था। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे, 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। फास्ट डिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कल भी मैंने कराया था। 28 फरवरी और 29 फरवरी आपके सामने है। 28 फरवरी जो है नेशनल साइंस डे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ई कुबेर भुगतान प्रणाली। ई कुबेर क्या है? कुबेर आपको पता ही है, ई कुबेर भुगतान प्रणाली पेमेंट सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा, ठीक है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो है आरबीआई ने डेवलप किया था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ये है जम्मू एंड कश्मीर। अब इसके बारे में जो जो फैक्ट आपको पता है प्लीज़ नोट कर लीजिए या फिर रिविज़न कर लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर जो है आर्टिकल 370 के तहत यहाँ स्पेशल राइट्स इसको प्राप्त थे, इसको एक विशेषाधिकार प्राप्त था जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। और ये विशेषाधिकार को ख़त्म किया गया तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इधर का हिस्सा जम्मू कश्मीर, इधर का लेह लद्दाख रीजन। लेह लद्दाख वाले इलाके को के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है आर के माथुर, ठीक है। ये जो हैं लेह लद्दाख रीजन के एलजी हैं। और अभी फ़िलहाल करेंट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था जम्मू कश्मीर का जी सी मुर्मू, ठीक है। चलिए एक चीज़ और, जो जी सी मुर्मू थे इनको भारत के कैग मतलब CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पोस्ट पे अभी अपॉइंटमेंट दी गई है क्योंकि ये जो है इस पोस्ट के काबिल थे। तो इसका मतलब है कि कैग जो है हमारे नए कौन है, वो है जी सी मुर्मू।
ठीक है। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपको बहुत सारे जीएस के फैक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि वहाँ वुलर लेक है, डल लेक है, दोनों फ्रेश वाटर लेक है, और भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। इसी तरीके से लेह लद्दाख में दो जो है साल्ट वाटर लेक है, इसका स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, सो मोरोरी, ठीक है। और एक तो आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे पागांग लेक, पागांग सो नाम है इसका पूरा, पागांग लेक, ये दोनों है लेह लद्दाख रीजन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही देखते हैं। और इसकी बाउंड्री जो है इंडिया में लगती है पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, और अगर देश की बात करें तो एक तरफ से लगती है पाकिस्तान, दूसरी तरफ से चाइना, और इसका ये वाला जो इलाका है ये लगता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है दो दरअसल, जो कि अफगानिस्तान से भी थोड़ा सा लगता है। अफगानिस्तान से भारत की बॉर्डर लगती है मात्र 147 किलोमीटर, ठीक है। 26वां हुनर हाट कहाँ लगा है? 26th हुनर हाट, तो हुनर हाट जो है ये लगा है नई दिल्ली में, ठीक है। हुनर हाट याद रखिएगा, नई दिल्ली है ये, और ये तीन तरफ से तो हरियाणा से ही घिरा हुआ है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश से। तो ये पूरा इलाका जो है चार स्टेट से लेकर के NCR बनाया गया, और 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है यूनियन टेरिटरीज में। इनको स्पेशल पावर्स भी हैं और कुछ पावर्स छीन भी लिए गए हैं। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस, ठीक है, वहाँ की लैंड, दिल्ली की पुलिस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वहाँ के LG कौन है और CM कौन है। तो दिल्ली के CM, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं भारत ने किस देश के साथ वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। इंडिया एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर वीज़ा एंड लेदर टेक्नोलॉजी, तो ये है इथियोपिया, इथियोपिया के साथ समझौता ये किया गया है, और ये है इथियोपिया, ठीक है। ये हो गया इथियोपिया, इथियोपिया साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीका की एक कंट्री है, ठीक है। तो इस इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, और इसकी करेंसी है BIRR, बिर, इथियोपियन बिर इसे कहते हैं, और यही इसकी करेंसी है। आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें ये देखेंगे जो ये जो इलाका है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। ये ऐसा इलाका है जो इसके थोड़े से स्ट्रेट के बाद, मतलब थोड़ा सा पानी का हिस्सा है, उसके बाद एशिया की भूमि, एशिया की लैंड पड़ती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडेब, बाब अल मंडेब, ठीक है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो मैं बात किया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके बारे में आप प्लीज़ नोट कर लो, इथियोपिया, सोमालिया, जिबौती और इरिट्रिया, ये चार देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है। इरिट्रिया, जिबौती, सोमालिया, ये चार देश जो आते हैं वो किस में आते हैं, उसमें आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। प्लीज़ आप नोट कर लिए होंगे आई होप। इथियोपिया की राजधानी भी आपने देख ली, और एशिया का जब हम मैप देखेंगे तो इससे कनेक्ट करके और भी चीज़ें याद करेंगे। पहला क्वेश्चन, सॉरी 5वां क्वेश्चन, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड रैंक पे ये तमगा दिया गया, पदक दिया गया हैदराबाद को। हैदराबाद में चार मीनार है, और चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने, ठीक है, कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च्ड बाई, वर्ल्ड सोलर बैंक किसने लॉन्च किया? तो वर्ल्ड सोलर बैंक जिसने लॉन्च किया है उस, वो लॉन्च तभी किया हो गया होगा जब कोई सोलर रिलेटेड एजेंसी वहाँ इस प्रोजेक्ट को पूरा करे। तो वो अभी दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसी है सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये एजेंसी जो है लॉन्च की गई है, हेड क्वार्टर है गुरुग्राम में, और 30 नवंबर 2015 को, ठीक है, वर्ल्ड सोलर बैंक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सोलर बैंक इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना का डेट याद रखिएगा 30 नवंबर 2015 को, भारत के पीएम मोदी और इंग्लैंड के जो इंग्लैंड सहित कुछ देशों ने इनका साथ दिया था, जिसमें फ्रांस मुख्य रूप से था। फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन। इन दोनों की सोच का ही ये नतीजा था, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, उसके बीच जितने भी देश हैं इन सब देशों को इसके अंदर लिया गया था। फेसबुक बैंड न्यूज़ शेयरिंग फॉर विच कंट्री? फेसबुक ने किस देश के साथ न्यूज़ साझा करने पे बैन लगा दिया है, रोक लगा दिया है? तो ये देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ शेयरिंग पे फेसबुक ने बैन कर दिया है, रोक लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ये छोटा सा आइलैंड कॉन्टिनेंट है, इसको कॉन्टिनेंटल आइलैंड भी कहिए, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहिए, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ से सवाल बहुत पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। यहाँ दो सोने की खान है, गोल्ड माइन है दो। नाम लिख लीजिए, हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में, क्योंकि थोड़ा टफ है। पहला है कालगुड़ी, कालगुड़ी, ठीक है, और दूसरा है कुलगाड़ी, कालगुड़ी कुलगाड़ी। ये दोनों नाम एक ही तरीके से हैं, अगर आप याद करोगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। ये साउथ अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड माइन है, साउथ अफ्रीका में भी ये गोल्ड माइन है, ठीक है, इसलिए ये वो दिमाग में आ गया। किम्बरले की खान आप कहाँ जानते हो? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट। सबसे हाईएस्ट है माउंट कोशिको, ये नाम थोड़ा टफ है, इस इलाके में है माउंट कोशिको, ठीक है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है इसका ये है लेक आयर, EYRE, लेक आयर, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइलैंड कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ बताइए कमेंट करके हमें। स्नेकपीडिया ऐप लॉन्च्ड बाई, किसने लॉन्च किया है? स्नेकपीडिया, स्नेक मतलब सांप वाली जो डिक्शनरी, पीडिया ऐप, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये केरला के द्वारा लॉन्च की गई है, क्योंकि केरला में वेस्टर्न घाट है और वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, क्रीपर्स और स्नैक्स जो भी हैं वो बहुत पाए जाते हैं, इसलिए उनका एक पूरा कंप्लीट विवरणी बनाया गया है इस ऐप में, स्नेकपीडिया ऐप, ठीक है। केरला, केरला का टैगलाइन क्या है? गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है, मतलब भगवान का अपना ओन देश। आगे बढ़ते हैं, केरला को पहले मैप में देखते हैं। ये है केरल, केरल में की राजधानी तो है तिरुवनंतपुरम। केरल में चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और केरल में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किए गए थे। केरल में नेशनल पार्क हैं, जैसे कि पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क, तो ये है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, अन्नाई मुड़ी नेशनल पार्क और पम्बादम नेशनल पार्क। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन सोला नेशनल पार्क, अन्नाई मुड़ी नेशनल पार्क और पम्बादम नेशनल पार्क, ठीक है, ये नेशनल पार्क केरला के आपको याद रखने हैं। कल मैंने एक साइंस की, जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट अपलोड की थी, बहुत अच्छा वो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अपना स्कोर जो है, आपने जितने भी नंबर उसमें लाए हैं उसको ज़रूर बताइए और देखते हैं किसके कितने स्कोर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? अवार्ड गोज टू के मेनन, के मेनन को ये अवार्ड दिया गया है। AIR न्यूज डायरेक्टर जनरल, AIR न्यूज़ आपको पता ही, ऑल इंडिया रेडियो के जो न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक बनाए गए हैं NV रेड्डी, ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, आगे सभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, NV रेड्डी। अगला है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल कहाँ शुरू किया गया है? महाबाहु ब्रह्मपुत्रा पहल, ये कैंपेन जो है ये शुरू किया प्रधानमंत्री मोदी ने असम में। ब्रह्मपुत्र नदी असम को लगभग दो बराबर भागों में बांटती हुई और ये इधर गिर जाती है,
ठीक है, तो असम में ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू किया गया। नेक्स्ट है, कहाँ के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने इस्तीफा दे दिया है? तो जियोर्गी गखारिया ये जो हैं जॉर्जिया के पीएम हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ज़रूर उसका आंसर बताइए। थैंक्स सो मच।